नमस्कार, मैं हूं दीप्ति ठाकुर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। 22 जनवरी का दिन शायद ही कोई भक्त भुला पाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो पल अभी भी रोम रोम पुलकित कर देता है। प्रभु राम के घर वापसी से हर किसी की आंखें खुशी से भर आई थी। अब हर एक भक्त रामलला के दर्शन करना चाहता है। राम मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुल भी गया है। भारी संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान राम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है। इसी क्रम में बीजेपी भी 24 जनवरी से श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान शुरू करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह अभियान एक खास मकसद से शुरू हो रहा है। सभी भक्त अच्छे से दर्शन कर सके, इसके लिए भाजपा ने जिला इकाई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां जनता को साधने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। 22 जनवरी को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने काफी हद तक हवा का रुख बीजेपी की ओर मोड़ दिया है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में कोई कमी न छूटे, इसके लिए बीजेपी श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी देश भर के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों को श्री राम जन्मभूमि दर्शन अभियान से जोड़ना चाह रही है। बीजेपी इस अभियान के तहत देश के सभी संसदीय क्षेत्रों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। संगठन के महासचिव बीएल संतोष, महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेता अभियान की तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए यह अभियान कितना अहम है। 24 जनवरी को शुरू होने वाले बीजेपी के इस खास अभियान का आगाज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पहले वे राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान की असली जिम्मेदारी पार्टी की अयोध्या इकाई पर ही पड़ने वाली है, क्योंकि अभियान के तहत पूरे देश से जो भी भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, उनका पूरा दायित्व इन्हीं के जिम्मे रहेगा। बीजेपी की अयोध्या जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के उचित स्वागत की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। भाजपा की अयोध्या इकाई ने पहले ही करीब 25,000 लोगों के ठहरने की पूरी व्यवस्था कर दी है। इन जगहों पर राम भजन, कीर्तन और रामलीला जैसी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे। वहीं दक्षिण राज्यों से आने वाले भक्तों के लिए बीजेपी ने दक्षिण कार्यकर्ताओं की टीम नियुक्त की है, ताकि भाषा को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ये तय है कि बीजेपी इस अभियान को लेकर जी जान लगा देगी। बीजेपी अपना अब की बार 400 पार का नारा सफल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से काफी हद तक कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ गया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये अभियान कितनी सफलता दिलाने में कामयाब हो पाता है।